आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। कृष्णा। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी। कृष्णा, कृष्णा। मैं यही हूँ। यही हूँ। बड़ी बेबी अन्नपूर्णा को स्कूल से लाना है। कृष्णा, आस्था अनुपुर हम सब यही है बेटा। कृष्णा, कृष्णा तुम हॉस्पिटल में हो अभी। मेरे इलाज में तो बहुत पैसे लग जाऊंगे ना। कैसे है पैसे? मैं फिर से आपके लिए मुसीबत बन गया मैडम जी। चुप करिए कृष्णा भैया, आपकी तबीयत अभी बहुत खराब है और आप अभी फालतू की बातें मत करिए। लेकिन सुना नहीं नूपुर ने क्या कहा? कैसा फील कर रहे हो कृष्णा? ठीक हूँ मैं, बस अभी अभी होश में आया है। दो तीन दिन हम कृष्णा को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, नॉर्मल होते ही आप इसे ले आ सकते हैं। जी थैंक यू। लेकिन मैं ठीक हूँ। क्या घर क्या जाना है? हॉस्पिटल में कोई तभी ठीक होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि वो ठीक है, समझे? तब तक वो पेशेंट होता है और पेशेंट का ख्याल रखा जाता है। जैसे हम सब लोग तुम्हारा रखेंगे, क्यों नूपुर? हाँ मैं भी रखूंगी। तुम बस अभी आराम करो। अम्मा मैं डॉक्टर से पूछ के इसके लिए कुछ दूध या कुछ लेकर आती हूँ। जाए ना जान संभाली पहचान लेता है खून अपने खून की लाली। पहचान लेता है खून अपने खून की लाली। जाए ना जान संभाली। अब कृष्णा बिल्कुल ठीक है, आप इसे घर ले जा सकते हैं और जो दवाइयां लिखी हैं उसे आप टाइम पे देते रहें। जी ठीक है। चलो कृष्णा अपने घर चलो। सुन रही हो कम्मू? वो लोग कृष्णा को लेके घर आ रहे हैं। मारी तो ये नहीं समझ में आता है कि लड़का आखिर बना किस मिट्टी का है, मरता ही नहीं। हमें लग रहा है कि हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, हम लोग ऐसे रहेंगे, हाथ मलते रह जाएंगे, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। हमको तो एक बात ये समझ में नहीं आती है कि तुम जरा जरा सी बात पे जो है इतनी जल्दी बौखलाने का है लग जाते हो। देखो ये बात तो तुमको पता है ना कि बिना मेहनत के कभी कोई फल नहीं मिलता है। बस एक बात जो है ना तुम अपने दिमाग में फिट कर लो कि यशोदा और उसके बच्चों के दिन अब इस घर में पूरे होने वाले हैं। बस कैसे 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 कैसे? तुम्हें याद है ना बाबूजी ने क्या कहा था कि वो ससुर बन के दिखाएंगे? बस इसी काम की पहल ना अब हम शुरू करते हैं। देखना बाबूजी, तुम्हारे बाबूजी एक नंबर के, मुंह ना खुलवाओ हमारा। बस
बाबूजी खाली कहते हैं, करेंगे कुछ नहीं वो। बाबूजी कुछ करें चाहे ना करें, हम तो कर सकते हैं ना, हैं? क्या करोगी तुम? टेंशन मत लो बंसल जी, धीरज धरो, बैठो बैठो बैठो। सुनने में मजा नहीं आएगा, देखने में आएगा। देखो मास्टरनी, ओ मास्टरनी, ये पकड़ो मास्टरनी। जी जी, हम क्या कर रहे हैं? अरे वही कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए। भी तो ये सुधा रानी के कपड़े निकाल रही है, फिर आस्था नूपुर के कपड़े निकालेंगे, उनके खिलौने निकालेंगे और जाकर के हाल में पटक देंगे। लेकिन क्यों जिज्जी? अरे यार मास्टरनी, तुम सवाल बहुत पूछती हो। याद है उस दिन बाबूजी को मर्यादा की बेड़ियां ढीली करने के लिए बोला था? उसका असर भी तो दिखाई देना चाहिए। इससे पहले कि कृष्णा घर वापस लौट करके आए, नए खेल के लिए मैदान सजाना है। जी चल। आओ मास्टरनी, ये खिलौने और ये कपड़े ना यहाँ पर लाकर के सब पटक दो, और हम लाते हैं मिट्टी का तेल। हाँ जीजी। जीजी। हाँ? क्या ये सब? भैया ये आस्था नूपुर के कपड़े और खिलौने हैं, और ये सुधा रानी के कपड़े हैं। अब घर वालों ने कौन कौन से दिए हैं वो तो हमको पता ही है, हम सब छांट के ले आए हैं। हम डालते हैं इसमें मिट्टी का तेल और लगाते हैं आग। पर क्यों? अरे जरूरत क्या है सब करने की? जीजी आपको ना हमारे मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है, आप रसोई में जाइए और हमारे लिए बढ़िया सी चाय बना लें। अरे दिमाग खराब हो गया क्या इस घर में सबका, जो ये पागलपन पे उतर आए हैं? अरे क्या हो गया साले साहब, काहे दिमाग गरम कर रहे हो? अरे औरतों का प्रपंच छोड़ो, बेवजह अपना दिमाग गरम कर रहे हो। आओ हम लोग किचन में चलें और बढ़िया गर्मा गर्म चाय बनाए, उसके बाद हम अपने बच्चे की अम्मा को चाय पिलाएंगे और तुम अपने होने वाले बच्चे की अम्मा को चाय पिलाना। होने वाले बच्चे की अम्मा? ये लो मास्टरनी, ये शुभ काम ना तुम अपने हाथों से करो। हाँ जी है? और ये दूसरा वाला जो शुभ काम है ना, आग लगाने वाला, ये हम अपने हाथों से करेंगे। जल्दी करो जल्दी करो। अरे यार तुम लोग आ गए, हमने तो सोचा था कि आस्था नूपुर और यशोदा रानी तुम लोगों के आने से पहले ये जो घर वालों ने कपड़े और खिलौने दिए थे ना उन सबको जला करके स्वाहा कर दे। अब भाई इसमें तो हमारे बाबूजी के पैसे लगे हैं, हमारी मर्जी, हम चाहे कुछ भी करें। कामिनी दिमाग कुछ ज्यादा ही नहीं खराब हो गया तुम्हारा? अपनी हद में रहो तुम। हाँ अम्मा ऐसा है ना, हमारे ऊपर चिल्लाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी? जा जाके पहले बाबूजी से निपटो भीतर। यशोदा रानी ने रणधीर से पैसा लेकर के अपनी हद पार कर दी, तो अब हमारे बाबूजी भी ना अपनी हद की रॉस कर रहे। सुनिए जरा बाहर आइए ना आप, जल्दी आइए। क्या हुआ है मालती? देखिए ना अपनी लाडली को क्या कर रही है ये। देखिए यशोदा आस्था नूपुर का सारा सामान जलाने को जा रही है, जो घर वालों ने दिया था, मतलब हमने रोके ना उसे। बाबूजी देखो ना क्या कर रही है दोनों, रोकिए ना इन्हें प्लीज। Da 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 da
इसमें हम क्या बोले यशोदा, क्या फर्क पड़ जाएगा? उस रात जब हमने एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहा था तब हमारी बात कहां मानी गई? कुछ हुआ हमारे कहने से? तो आज भी हमारे कहने से क्या होगा? तो उसका बदला इस तरह से लेंगे आप? अरे ये हमारे दिए हुए खिलौने और कपड़े जलाने को जा रही है। तो अन्याय हो रहा है ना मालती है? तो अपनी बहू से कहो कि बुला ले रणधीर को। अन्याय की बू सूंघता हुआ पहुंच जाता है ना वो हर जगह, तो यहां भी आ जाएगा बचाने के लिए। और अगर नहीं बचा सका तो जले हुए सामान की कीमत तो दे ही देगा। अब घर के रिश्तों की कीमत तो वो दे ही रहा है, हैं? तो बुला लो उसे। जो करेगा वही करेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाबूजी ये सब मत करिए ना प्लीज। यशोदा, पहले हमारे और तुम्हारे विचार नहीं मिलते थे, लेकिन अब हम दोनों ये लड़ाई जीतना चाहते हैं हर कीमत पर। जहां कीमत आ जाए वो सौदा हो जाता है, और सौदे में हर चीज जायज है। तो ये भी जायज है। कामिनी चुप। जी बाबू। लगा दो आग इसमें। जल जाएगा सब कुछ, हम भी देखते हैं। अम्मा, अम्मा रुक जाइए। मम्मी छोड़ी दादी का हाथ, आग बुझाने दीजिए उन्हें। पानी डालने से कुछ तो बचेगा, छोड़िए। पानी में भी तो बस शांत हो जाइए। अगर आग बुझ भी गई तो कुछ भी काम का नहीं बचेगा, और अगर बच भी गया तो ये लोग फिर से सब कुछ जला देंगे। छोड़ो ये छोटा। ठीक कह रहा है अम्मा। कह रहा है दोनों मिलकर बचा भी लेंगे तो ये सब लोग मिलकर दोबारा जला देंगे सब कुछ। इससे अच्छा है कि जलने दीजिए सब कुछ, देखने दीजिए इन दोनों को, और मुझे भी देखने दीजिए सब कुछ जलते हुए, ताकि मुझे याद रहे कि इस घर ने जिंदगी के किस मोड़ पर मुझे क्या क्या दिया था। अरे बाबूजी, चलिए चलिए हम लोग चाय पीते हैं। अरे ये सब तो जल के ऐसे ही राख हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आइए 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 आइए। भैया तुमको इन सब झंझटों पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब अपना अपना देख रहे हैं। तुम भी अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। अरविंद, चाय देंगे आप सबको? आओ आओ आओ, चलो आओ।
कृष्णा चलो तुम चलो अंदर जाके आराम करो। चलो तुम दोनों भी स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। चलो चलो जल्दी चलो चलो कृष्णा चलो। चलो कृष्णा कृष्णा, आज तक मैंने कभी किसी चीज का बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। भले ही वो मेरे साथ कुछ गलत हुआ या मेरी माँ के साथ कुछ गलत हुआ। आप सबने मेरे सामने मैडम जी को कितना परेशान किया, यहाँ तक कि सड़क चलते लोगों ने भी पता नहीं क्या क्या कहा। कभी मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मैं इस राग की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और किससे बदला लोगे तुम? अपने दादाजी से? हाँ क्यों नहीं, पोता है हमारा और हक बनता है इसका कि ये इस सब का बदला ले। अम्मा, यशोदा, कृष्णा तुम्हारे घर का बड़ा बेटा है और अपनी आंखों के सामने अपना सामान इस तरह से जलता हुआ देखेगा तो चुप कैसे रहेगा? जिसके जलने का भी मुझे उतना ही दुख हुआ जितना अपने माँ की चिता जलने पर हुआ था, इसलिए इसका बदला मैं जरूर लूंगा। और बड़ी माँ के आप भी मुझे भोता मत कहिएगा, वरना ये लोग आपको भी अपना कहकर फिर से छीन लेंगे। देख रहे हैं ससुर जी, आपके टुकड़ों पर पलने वाला ये नाली का कीड़ा आपसे बदला लेने की बात कहकर गया है। दामाद जी, जिसे आप नाली का कीड़ा कह रहे हैं पोता है हमारा, आगे से सोच समझकर और संभल कर बोलिएगा। अभी सबके सामने बोल करके गया है कि बड़ी मालकिन हमको पोता ना बोलिए, समझ में नहीं आया तुम्हारी अम्मा? और उसके आगे जो बोला वो तुम्हारी समझ में नहीं आया कामिनी? सुना नहीं तुमने? कृष्णा चाहे लाख मना कर ले, उसके या किसी और के कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि हम उसकी दादी हैं और वो हमारा पोता। कामिनी, लगा दो इसमें आग।
बदले की भावना मन में रखना ठीक नहीं है कृष्णा। मैं हाथ धो कर आता हूँ, फिर खा लूंगा। तुम मेरी बात टाल रहे हो कृष्णा? हाँ मैडम जी।